सीरियल परिणीति की बात करें तो शो में आप सभी को मालूम है कि पूजा चल रही है और इस पूजा में नीति पहुंच जाती है। नीति पहुंचती है और देखती है कि भाई यहाँ पे तो परिणीत और संजू को आशीर्वाद मिल रहा है दोनों नहाओ और पूतो फलों का। अब इस वजह से नीति बहुत गुस्से में आ जाती है और वो रूम में चली जाती है। पीछे से संजू भी जाता है। संजू से कहती है नीति कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर बेबी ने तुम दोनों को क्यों आशीर्वाद दिया, एक कपल को ऐसा आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर संजू जो है वो नीति को बेवकूफ बनाता है और कहता है कि मैं आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुका था लेकिन तब तक बेबे कहीं और देखने लगी और फिर जब बेबे मेरे तरफ देखी तब उस वक्त परिणीत भी नीचे झुककर आशीर्वाद लेने लगी, तब तक तुम आ गई और तुम्हें ऐसा लगा कि बेबे हमें हम दोनों को आशीर्वाद दे रही है, जबकि बेबे परिणीत को दोनों नहाओ और पुतो फलों का आशीर्वाद दे रही थी। आपको बताते चले कि यहाँ पर नीति जो है ये सुनकर थोड़ी शांत तो जरूर हो जाती है। यहाँ पर संजू कहता है ये सिर्फ कोइंसिडेंट था, ये सिर्फ इत्तफाक था कि हम दोनों एक साथ आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुके थे। आपको बता दें कि यहाँ पर दूर खड़ी परिणीत ये सब सुन रही थी। फिर परिणीत नीति के पास आती है और उसे समझाती और कहती है कि तुम पूजा में नहीं आई हो, चलो अब चलकर आशीर्वाद ले लो कम से कम बेबे का। बेबे का आशीर्वाद लेती है नीति और बेबे कहती है कि देख कितना प्यार करता है राजीव जो है वो परिणीत को, और तुझे भी ऐसे ही पति प्यार करे। यहाँ पर सोचती है नीति कि आखिर राजीव तो इतना बदमाश है और वो तो परिणीत को अपने साथ भी नहीं रखता, तो बेबी क्यों तारीफ कर रही है। और फिर उसके बाद लास्ट में बेबी कहती है परिणीत को कि भोग का प्रसाद लेकर आओ। अब देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा शो में आगे।